डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपको 8th क्लास की हिंदी पढ़ा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ध्वनि। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लेसन के लेखक का क्या नाम है। ध्वनि कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अब हम चलते हैं कविता की तरफ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत आया है, अर्थात मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई है। जैसे बसंत के आने पर प्रकृति में नए जीवन का संचार होता है, वैसे ही मेरे जीवन में भी बसंत की ऋतु आई है, मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के जीवन में नई आशा का संचार हुआ है। तो इसीलिए कवि कह रहा है भी न होगा मेरा अंत। ओके स्टूडेंट्स, ये पंक्ति आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पंक्ति पर। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगाया एक प्रत्युष मनोहर। इस पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि अभी अभी तो जीवन शिशु रूपी बसंत का आगमन हुआ है। प्रकृति में बसंत के आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, नाजुक शरीर लिए डालियां व कलियां सुंदर रूप में खिल जाती हैं। चारों ओर प्रकृति में सुंदरता कोमलता दिखाई देती है, वैसे ही यानी कि अपनी रचनाओं द्वारा दुनिया में चारों ओर यश फैलाना चाहता हूँ। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, इसमें क्या कहता है कवि, अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें नए सवेरे के संदेश देना चाहता हूँ। जाने अर्थात वे आलस्य और निराशा में डूबे हुए युवकों को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेरित करके उत्साहित करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी में अच्छे काम करने लग जाए। पुष्प पुष्प से तंद्रा लश लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत से हर सींच दूंगा मैं। इसमें कवि क्या कहते हैं, कवि निराशा तथा आलस्य में डूबे हुए पुष्प रूपी नव युवकों की नींद से भरे आँखों से आलस्य दूर करके उन्हें जागरूक तथा कर्मशील बनाना चाहते हैं। ये है कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा आलस्य व निराशा छीन लेगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि के अंतर्मन की ध्वनि ये कहती है कि जिस प्रकार पुष्प अनंत काल तक महक तथा सौंदर्यता बिखेरे रहते हैं, उसी प्रकार हर युवक भी अपने सत्कार्यों द्वारा मतलब अच्छे कर्मों द्वारा इस देश इस समाज की प्रगति में अनंत काल तक वृद्धि करते रहें। नव युवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, जिससे फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि कहता है कि मेरे बसंत रूपी जीवन का अंत अभी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके हम देख लेते हैं जो वर्ड मीनिंग है। प्रत्युष का मतलब होता है प्रातःकाल, मनोहर का मतलब होता है सुंदर, तंद्रालस का मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ, लालसा का मतलब होता है अभिलाषा या कुछ पाने की इच्छा, सहर्ष का मतलब होता है खुशी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी समझ में आ गया होगा। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।